जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। जब कुछ मांग कर नहीं मिलता तो आप ऐसे ही करते हो कि मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास भागी चली आती। मर गई। तमीज नहीं है तुम्हें, तुम देख के नहीं चल सकते हो। अगर मैं एक कदम भी और चलती ना तो बस मेरी रूह कब्ज हो जाती। तुम ही तो स्ट्रेचर खींच के लाए और मुझे ले गए, वरना आजकल कौन किसी के साथ इतनी हमदर्दी भी करता है। खाला, वो टक्कर भी तो मुझे से हुई थी ना आपकी। तुम ऐसे चल रही हो अपने घर? जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। फिर तो मैं कभी खड़ा नहीं होना चाहूंगा सीना, सच कह रहा हूं। अगर मुझे तुम्हारा सारा इस मुताजी में मैसर हो सकता है तो मुझे माताजी उम्र भर के लिए कबूल है। यही है जिंदगी, है जिंदगी। कौन है? दुखी, दुखों की मारी लाचार औरत। आप थक गई होंगी, बैठ जाएं। आप मुझे बता देती मैं स्टेशन आ जाता। अरे कैसे बताती बेटा, मुझे तो खुद खबर नहीं हुई, मैं तो बस भागी तोड़ी चली आई। ऐसा क्या हो गया जो तुम दौड़ी भागी चली आई? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बात? अरे तुम ना हताना। अरे क्या बताऊं बहन, रात को मेरी भांजी मेरे ख्वाब में आई, मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगी कि खाला गुड्डू के पास चली जाओ, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है, वो बड़ा अकेला हो गया है। और कहने लगी कि अब वही तुम्हारा ठिकाना है जहां से मेरी डोली आई थी और मेरा जनाजा उठाया गया। बस फिर क्या था, मैंने अपनी मरहूमा भांजी का कहना माना, टिकट कटाया और चली आई। अरे ये सब तो ख्वाब में हुआ ना, आप अपना घर बार छोड़कर क्यों आ गई? मेरी जवान भांजी का मेरे ख्वाब में आना यही बहुत बड़ी हकीकत है। रहा घर बार, अरे अब तो मेरा यही घर है और यही बार। बार? अच्छा आप रोइए मत, आइए अंदर चलते हैं। गुड्डू बेटा, तुझे देखकर ना मुझे अपनी भांजी याद आ गई। तुम दोनों इसी आंगन में घूमते फिरते होगे ना बेटा। अच्छा चलें अंदर चलते हैं, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ, आइए। ओए मेरी भांजी। लो भाई, अब ये भी यही ले ली। ये दर नहीं मुसाफिर ताना है। हाँ हाला क्या कह सकते, जहाँ इतने बेशरम मुसाफिर रह रहे वहाँ इक्का दुक्का और सही। देख भाई मेरे खबर था ना, पैमाना लबलेज हो गया है समझे, तेरी बातें थुन थुनते ना मेरा तले दे ठंडी हो गया। तल दो दो हाथ तल लेते। अच्छा आ जाओ, मुझे भी किसी का डर नहीं। आओ ना, अरे खराब नहीं करना मेरा, समझ ले। छोड़ो, क्या जाहिलों की तरह लड़ रहे हो दोनों? बात सुन, तू आई बड़ी पढ़ी लिखी, तुझे बताओ अभी जाहिलों की तरह नहीं तुम लोग को हो ही जाए। लीजिए खाइए। यार आप अपनी डाइट का ख्याल क्यों नहीं कर रही हैं? तो मैं आपके साथ बैठी तो हूँ नाश्ता करने के लिए। ओह बैठने से डाइट थोड़ी हो जाती है। इजाज़ प्लीज ऐसा मत किया करें यार।
डॉक्टर ने आपको सख्ती से बोला है डाइट का ख्याल रखें, फिर भी नहीं करी आप। सच पूछे ना तो मुझसे सुबह सुबह खाया नहीं जाता। मेरे ऑफिस जाने के बाद आप खाएंगी या नहीं खाएंगी तो मुझे पता नहीं लगेगा, मुझे आपको किसी जासूस छोड़ने ही पड़ेंगे। जनाब आप हम पर एतबार करें, हम आपसे झूठ नहीं बोलते। मुझे पता है आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन जब आप झूठ बोल रही होती हैं तो आप अक्सर खामोश हो जाती हैं, इतना तो मुझे भी पता है। ऐसा मैंने कब किया? हर बार किया है आपने। अच्छा तो आप इतना नोट करते हैं? आप मुझे इतना बेवकूफ भी ना समझें प्लीज। जी मैं आपको बेवकूफ समझती भी नहीं हूँ। अच्छा एजाज आपसे एक बात पूछनी थी। जी फरमाइए। वो असल में नन्नी जो है वो मेरी गोद भराई की रस्म करना चाह रही है उस घर में। यार क्या है गोद भराई वगैरह, ये अभी तक कर रहे हैं उसी तौर तरीके पे लगे हैं आप लोग। शायद ना होता हो मगर उसने बहुत दिल से कहा है एजाज। और आपका दिल क्या कहता है? मैं क्या कह सकती हूँ एजाज, मैं तो आपकी इजाजत की ताबे हूँ बस। अच्छा आप ज्यादा सोचे नहीं, मैं उसे मना कर दूंगी। नहीं लेकिन अभी तो आप कह रही जो मैं चाहूँ। तो आप खामोश हो गए। भाई बिल्कुल नहीं समझे आप, खामोशी रजामंदी का इशारा भी तो हो सकता है ना। अच्छा तो फिर मैं नन्नी से कह दूं। और हाँ मेडिसिन टाइम पे ले लीजिएगा, मेडिसिन से पहले कुछ खा लीजिएगा। आप मेरी फिक्र ना करें मैं खा लूंगी। ओहो गेटिंग लेट, चलें सुबह सुबह बातों में लगा दी मुझे, ऑफिस जाने मुझे लेट हो रहा हूँ मैं। ठीक है अपना ख्याल रखिएगा और याद से खा पी लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ख्याल से चलाइएगा गाड़ी। बस क्या बताऊं गुड्डू, उसका उदास चेहरा और दर्द भरी आवाज सुनकर मुझसे एक पल सबर ना हुआ। अरे बड़ी कमजोर लग रही थी वो मुझे ख्वाब में। जी हाय हाय कैसे चटपट हो गई मेरी भांजी। लेकिन आफरीन है गुड्डू तुझ पर, तूने भी दूसरी शादी नहीं की और करता भी कैसे, इतनी मोहब्बत जो करता है तू उससे। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, बेबी बात कर रही हूँ, हॉस्टल में कल आपसे मुलाकात हुई थी, पहचाना आपने? हाँ जी वो अम्मा जब से उठी है ना उन्होंने जिद लगा के रखी है, अगर आप घर पे आ जाएं कब चाय पीने तो उनका शुक्र अदा भी हो जाएगा। नहीं ऐसी भी क्या बात है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, आप एक काम करें शाम में ही घर आ जाएं, मैं आपको एड्रेस सेंड कर देती हूँ घर का। जी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके खुदा हाफिज। कौन था गुड्डू? वो एक नौकरी के लिए इंटरव्यू की कॉल है। हाँ जी जीता रहे खुश रहे जुग जुग जी है मेरा बच्चा। बालम भाई मेन मार्केट की दुकान है, जो भी कारोबार करोगे चलेगा। यार क्या है तो आप सही रहे हो, दुकान तो वाकई बहुत अच्छी है लेकिन यार आप एडवांस बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। एडवांस क्या है, वही 6 महीने का एडवांस है और 1 माह की सिक्योरिटी है, फिर आप काम भी तो प्रॉपर्टी का शुरू कर रहे हो और फिर एडवांस भी तो आप ही का होगा वो। अरे यार प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं, स्टेट एजेंसी में खोल लूंगा काम चल पड़ेगा, कोई ऐसा रईस तो मैं हूँ नहीं। चलो अपना काम शुरू कर रहा हूँ ना इसलिए 1 माह की सिक्योरिटी छोड़ देता हूँ, 6 माह का एडवांस कर लो, 1.5 लाख की तो बात है भाई, कोई रियायत नहीं हो सकती? नहीं भाई तुमसे नहीं होगा यार, छोड़ो मैं किसी और से बात कर लेता हूँ। अरे नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं कर लूंगा। हो जाएगा तो फिर तुम्हारा काम भी चल पड़ेगा और ऐसी दुकान मार्केट में ढूंढोगे तो मिलेगी भी नहीं। ओके फिर अल्लाह हाफिज। अरे कहां से पकड़ूं पैसे, अम्मा ने तो एक ढेला नहीं देना और आलम वो भी भरा बैठा है, करीना के घर वाले अब मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, क्या करूं कहां से लाऊं पैसे। उस चांद तारा की ना ऐसी की तैसी कर दी है मैंने, अब तक सांस बहाल नहीं हुआ है उसका। नन्नी तू कोई बच्ची है क्या, जब मैंने तुझसे कहा है कि भूल जा तो भूलती क्यों नहीं है इस बात को। दफा कर, लेकिन तुझे क्या, तूने तो ये बात भूलनी नहीं है ना बिल्कुल भी। कैसे भूल जाऊं? हां कैसे भूल जाऊं मैं वो वक्त जो तुमने रो रो के गुजारा, वो भी उस औरत के लिए। वो तो बस एक जरिया थी,
दरअसल मेरे रिश्ते को तो बदगुमानी खा गई थी और अब सब ठीक हो गया है। खुदा के लिए तू भी भूल जा, और देख अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो आइंदा तुझसे बात नहीं करूंगी मैं। अच्छा ना सुन तो। इतनी गड़बड़ी होगी तू नन्नी। अच्छा सुन, मैंने एजाज से बात की थी, तुझे पता है वो मान गए। अरे वाह, एजाज भी मान गए। लेकिन क्या हुआ नन्नी? मायर भाई का एक्सीडेंट हो गया है ना। तो सिनेमा जी वहाँ है। एक तो पता नहीं क्या, जब कोई अच्छा होने लगता है ना तो कुछ ना कुछ ऐसा वैसा क्यों हो जाता है हमारे यहाँ। मायर का एक्सीडेंट हो गया? कब हुआ नन्नी? और तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? तो हमें भी किसने बताया? वो तो हमने खुद झीठ बन के सुन लिया, वरना मैं बताता कौन ऐसी बातें। क्या बातें कर रही हो तू नन्नी? कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? तुम लोग सब देखने गए थे क्या? नहीं भाई नहीं, हसीना के मामला से तो ना दूर रहना ही बेहतर है। अच्छा बकवास बंद कर, तुम लोगों ने पलट कर उसकी खबर ली? वो बहन है हमारी। हसीना ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया? अच्छा ना यार, खफा तो मत हो, करती हूँ बात। पता नहीं क्या सोच रही होगी कि किसी ने कॉल नहीं की उसे। अच्छा बात सुन, वो गोद भराई का क्या हुआ? नन्नी पहले तू हसीना को फोन करके बात कर, मायर की खैरियत पूछ, समझ आए? कर रही हूँ बात। अल्लाह हाफिज़। ठीक ही होंगे मायर भाई, वरना कोई ना कोई तो खबर आ ही जाती। तबा तबा, ये मैं क्या कह रही हूँ, अल्लाह ना करे कैसा हो। लगता है काम धाम के साथ तुम्हारा दिमागी तवाज़न भी चला गया। तुमने कुछ कहा मुझसे? मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ सुना क्या? वैसे अकेले में मुस्कुराना दिमागी बीमारी नहीं तो और क्या है? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम क्यों मेरे पीछे पागलों की तरह फिरती रहती हो? मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूँ? एक्सक्यूज मी, ये सारी दुनिया मेरे आगे पीछे घूमती है? धनो, मेरा दिमाग नहीं खराब करो और जाओ यहाँ से। तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी जिंदगी खराब करने के लिए तुम्हारी खलिया सास आ चुकी हैं। अब मैंने क्या करना है? जो भी करना है उन्होंने करना है। वैसे कहते हैं ना, इंसान के पुराने करतूत इतनी जल्दी उनका पीछा नहीं छोड़ते। चली जाओ। कैसा अजीब पागलखाना है मेरा घर, इंसान थोड़ी देर के लिए खुश भी नहीं हो सकता अकेले में। हाय बेबी। सूप पी ले। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। फिर भी पी ले थोड़ा सा। हेलो हसीना, मुन्नी बात कर रही हो। अब कैसी तबीयत है मायर की? मुझे अभी पता चला उसके एक्सीडेंट का। सब ठीक है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है, अब बहुत बेहतर है सब। शुक्र अल्लाह का, मैं तो डर ही गई थी। चलो ठीक है, एजाज जल्दी आ जाएंगे तो फिर मैं चक्कर लगाऊंगी तुम्हारी तरफ। अरे नहीं मुन्नी, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है अब। मैंने कहा ना कि बेहतर है। तुम सच कह रही हो ना? हाँ हाँ सच कह रही हूँ, झूठ क्यों बोलूंगी। अच्छा तो फिर ठीक है, साथ साथ तुम्हें मैं दावत नामा भी देती हूँ। नन्नी को शौक चढ़ा है कि वो मेरी गोद भराई की रस्म करेगी। तो परसों मेरी गोद भराई की रस्म है। तुमने जरूर आना और मायर को भी साथ लेकर आना है। अच्छे सब इकट्ठे बैठेंगे। चलो तुम्हें बहुत मुबारक हो, लेकिन मुन्नी मेरा आना तो जरा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ना कहो ना, अच्छा है ना, इतने दिन बाद तो सब कुछ ठीक हुआ है, हम सब मिलके खाना खाएंगे। हाँ वाकई बहुत दिनों बाद तो सब ठीक हुआ है। अच्छा मैं देखूंगी, ठीक है? अब देखूंगी नहीं, मैं इंतजार करूंगी। आना है तुमने, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो ठीक है, देखते हैं। अल्लाह हाफिज। मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है, आया ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ क्या हुआ? मम्मी का फोन था, आपकी खैरियत पूछ रही थी और कह रही थी कि घर में उसकी गोद भराई की तकरीब रखी है। तो
तुम चली जाओ ना। आपको ऐसे हाल में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? तो फिर मुझे भी ले चलो। क्या आप मेरे घर चलेंगे? मगर आप अभी ठीक नहीं हैं। सीना, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अभी मैं जितना ठीक फील कर रहा हूं इससे पहले मैंने कभी नहीं किया, ट्रस्ट मी। कैसे पी लें? अब आई हो तो धुलो मिलो बातें तलो, ऐसे आदत हमने में बैठे ही हो सकते। अरे क्या घुलू मिलू, क्या बातें करूं, मेरा तो दिल ही मर गया। पुरानी बातों तो भूलने की सोची तरो। अरे ये तो कुदरत का करिश्मा है कि गुड्डू जैसा दामाद मिल गया मुझे। जैसा मैं अपनी भांजी से मोहब्बत करती हूँ ना, बिल्कुल उतनी ही मोहब्बत वो अपनी मरी हुई बीवी से करता है। तुम ना दाए दी दाए रही। अरे उन्हें तो अपनी थादी भी याद नहीं होती, तो उसकी थादी हुई थी से नहीं, उतना तो आत्मतत्ता ही नहीं खत्म होता। और रहने दो, झूठा इल्जाम ना लगाओ। अरे इल्जाम देता, इंद्रादार हाथों ने देता है उसे, वो मेहनती बेटी नहीं है। धन्नु इतने दाद उतना तत्तर टल्ला था, उसकी मुँह तो थाइटल में बैठते पूरा थैर धुमती थी भर भर करते। अब मेरी बात समझ में आई कि मेरी भांजी ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे यहाँ क्यों भेजा है। अब बात खुली ना सारी। अब तो होना था वो हो गया, तुम तो क्या रोत लो दी। मैं अपनी मरी हुई भांजी के साथ ये बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। दे तो भाई, दो हकीकत थी ना वो तो मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम्हारी भांजी मर गई है तो तेजी मोहब्बत तेजी वफा। अरे हम तो उस खानदान के हैं कि एक दफा जिस खानदान में लड़की दे दे फिर वो चाहे लड़की मरे या जिए, फिर मर्द किसी और का नहीं हो सकता। वैसे एक बात बताओ, तुम किस खानदान की हो? राजपूत है हम, पक्के राजपूत। अरे दो भी हो, अब मलिनी भांजी से तुतलार में आते बैठ गई हो क्या ना, और इज्जत की बात चल रही हो। वाह भाई वाह, यही तेरी बातें है ना, है? वही शुरू हो गई ना, अपनी फिरसत से कभी नहीं जाओगे तुम चांद तारा। अरे बहन मैं तो ऐसी बोली थी, तुम्हारी गमथुआर हूँ मैं। गमथुआर हूँ ना मैं। आप कौन है? बलम। अरे हत्या कर दिया उसने। अरे बता मुझे जल्दी बता दे। यही है जिंदगी। अरे इन सब चीजों की क्या जरूरत थी, आप ये सब क्यों लाए? क्या मतलब है क्या जरूरत थी? अरे खानदानी लोगों की यही तो निशानी होती है, ये किसी के यहाँ ऐसे खाली हाथ नहीं जाया करते, सारे रख रखाव हैं बच्चे में। अच्छा अब आप ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? बस अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी है बेटा, अब हशाश बशाश हूँ। आंटी आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। अम्मा और अपना ख्याल रख ही ना ले। तो आप इनका ख्याल रखिया करें। वाह बेटा क्या बात बोल दी। अरे इसे अपने सजने सवरने से फुर्सत मिले ना तब, यही तो है मेरी बीमारी, बस इसका घर बस जाए तो मैं भी सुकून से मर सकूं। अरे आंटी आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। जीते रहो बेटा, जा जाके कोई चाय बिस्किट का बंदोबस्त कर, कुछ रख रखाव भी सीख ले तू, जा। अच्छा बेटा तुम्हारी शादी हो गई है? शादी? जी वो नहीं। ढूंढ रहे हो, क्या काम करते हो बेटा? जी मैं वो एक जॉब करता। अच्छा अच्छा नौकरी करते हो भाई, माशाल्लाह।
मैंने भी सोचा था बेबी की शादी शानी से कर दूं, भांजा है मेरा, लेकिन दोनों के मिजाज में बहुत तेजी है, आतिश हैं दोनों, बस इसीलिए मैंने भी उम्मीद छोड़ दी। अच्छा बेटा, तुम्हारा घर अपना है? जी। अच्छा बेटा तुम बैठो, मैं अभी आई। जी जी, मैंने समझाया था ना चंदन, ख्याल कर ले, इधर उधर मत जा, बाहर मत घूमती फिर, जब तक कोई दूसरा ठिकाना नहीं मिल जाता, लेकिन तू सुनती कहाँ है? अब्बा मैं तो चीज लेने गई थी। चीज माँ की तरह फुल चटोरी, बिल्कुल माँ पे गई, हर वक्त इधर उधर टिका नहीं जाता एक जगह पे। अभी बात को समझ, तेरी माँ आजकल गश पे घूम रही है, देख लियो ना किसी ने ये ठिकाना पर चल गया, सब गया छुट्टी, भूल जाओ। अब्बा मुझे ना ये दिन करीब ही नजर आ रहे। दूंगा ही, क्या फजूल बकवास कर रही है, ऐसा बोल। मेरी प्यारी बेटी ना, मेरी गुड़िया है ना, मैं तो बस प्यार से समझा रहा था। अच्छा बात सुन, बात ये छोड़ छोड़ हैं, ये पकड़, ये भी पकड़, ये ले हैं, अब जिधर जी जा यार, ये ले बस। मेरी बेटी कहीं भी दिल करे, जो खाना है, जो चटोरपन करना है कर, लेकिन देख जा के तेरी माँ गश पे ना निकली, वरना मर गए, ये जगह गई छुट्टी। हाँ समझ गई। ठीक है अच्छा माँ, फिर चीज लेने जा, तू चीज लेने जा मेरी माँ, जा। थैंक यू, अगर अम्मा दिखेंगी तो ले आऊंगी। अच्छा मजाक कर रही थी, यल्ला कुछ सेटिंग बनवा दे, या अल्लाह अगर एडजस्ट करवा दे, एक दफा एडजस्टमेंट हो जाना सारा मसला। किस चीज की एडजस्टमेंट, क्या एडजस्ट करा दे है? और ये लाडली क्यों चिल्ला रही थी है? नहीं पता नहीं, वो तो ऐसी बच्चों में पता है लाडली कैसी, मैं तो बेड एडजस्ट करने की आवाज आती थी। क्यों? अच्छा हाँ। लेकिन बात सुनो, तुम मुझे ना कुछ परेशान से लग रहे हो, खैरियत तो है? हाँ ना, देख कितनी परेशानी होती है इंसान की जिंदगी में, अगर बिस्तर सही ना हो तो उसको एडजस्ट कर लूंगा, सब सेट हो जाएगा। अभी देख, ये तुम्हारा बिस्तर नहीं है। अबे अभी तो ये देख, मेरा जी चाह रहा लेटने का, मैं लेट गया, ये मतलब है? अजी बावले हो गए हो तुम तो। हाँ। खाला चाय बहुत मजे की थी। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मैं निकलता हूँ। बेबी जी। अम्मा बेटा गुड्डू जा रहे हैं, आ जाओ। बेटा देखो अभी के लिए तो इजाजत है, मगर आते जाते रहना तुम, इस घर को तुम अपना ही घर समझो। जी जी बिल्कुल, मैं आता जाता रहूंगा। अरे आंटी आप क्या कर रही हैं? अरे रख लो बेटा। अम्मा आजकल तो बच्चे भी 50 रुपए नहीं लेते, हद करती हैं आप। रकम नहीं देखी जाती बेटा, खुलूस देखा जाता है, समझी? ठीक है, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे जाना आगे तक छोड़ा दरवाजे तक। सुने जी, वो माफ कीजिएगा अम्मा, जो है ना वो थोड़ा जज्बाती किस्म की खातून है। अरे क्या बात कर दी आपने, मुझे यहाँ के इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकता, दिल खुश हो गया मेरा अम्मा से मिलकर। जी आपकी अम्मा जान से मिलकर, आप लोगों का रहन सहन बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल भी बनावटी नहीं। हाँ ये तो है, खैर हम लोग बिल्कुल बनावटी नहीं। ठीक है मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। अच्छा वो क्यों? क्योंकि जहां इंसान का दिल आकर खुश हो वहां आते रहना चाहिए। शानी ये गुड्डू है। कौन गुड्डू? वो अम्मा ने बुलवाया था इन्हें। किस लिए? वो सब तुम उन्हीं से पूछो। खाला आप जाए, ये तो रोज का ड्रामा है, चलता रहता। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। ठीक है मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। उफ, अब इससे कौन निपटेगा? अगर स्ट्रेचर खींच के लिया तो उसे घर बुला लिया, या हॉस्पिटल उसके बाप का था, या स्ट्रेचर उसने खुद बनाया था,
क्या कमाल है इसमें? अरे बेटा, मुरव्वत भी कोई चीज होती है। खाला कैसी मुरव्वत? अगर तबीयत इतनी ज्यादा ही खराब हो गई थी तो मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने? तुम कल रात घर पर थे, तुम इतने फारिग हो के कढ़ाई खाने तो हैदराबाद जाते हो। खाला इसे बोल दें कि मुझसे इस लहजे में बात नहीं किया करे। क्यों, तुम कौन हो? अच्छा तो अब मैं कौन हो गया? खाला बताए इसको कि मैं कौन हूँ और ये क्यों गई थी उसको दरवाजे तक छोड़ने? कुछ आदाब होते हैं। वाह, जब मैं घर पे आता हूँ तो ये सारे आदाब कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं इसके सारे तौर तरीके? ओ, अब तो तुम्हारे साथ भी आदाब और तौर तरीके निभाऊं मैं? नहीं, तुम सिर्फ मेरा खून पियो। चलो जाके कप चाय बना दो, सर में दर्द हो रहा है मेरे कब से। क्यों, पहाड़ तोड़ कर आए हो? पहाड़ नहीं तोड़ के आया, पूरा हाईवे खुदा पड़ा है। अरे 2 घंटे का रास्ता पूरे 4 घंटे का हो गया। अरे बीबी चली जाना, जाके चाय बना दे इसे। तुम दोनों के झगड़ों से ना सर पटने लगता है। जा। तो घर बैठा करो, क्यों घूमते फिरते रहते हो? भला कुछ सिखाओ इसको, कुछ समझाओ इसे। अरे तुम भी थोड़ी देर को चुप करके बैठ जाओ, जब से आए हो पटर 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 पटर। बस खाला इसी बात से तो उसको शय मिलती है। और हाँ, चाय में पत्ती कम डालना, ज्यादा मत डाल देना, दिमाग खराब करके रख देती है। आलम, अब आप इतना तैयार शैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? ये तो मैं तैयार हुआ नजर आ रहा हूँ। हाँ मुझे तो तैयार ही लग रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो? ज्यादा शोखी होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, समझी? बाहर जा रहा हूँ। तो बाहर कहाँ जा रहे हो, यही तो पूछ रही हूँ। क्यों, मैं तुम्हें जवाब दिया हूँ क्या? अल्लाह की कसम, मैं ना इस घर में से किसी से भी बात नहीं करूंगी। सब लोग मुझे लवारिस समझते हैं, सीधे मुंह बात का जवाब भी नहीं देते। अरे धन्नो यार, सॉरी, बस थोड़ा सा परेशान था इसलिए तुम्हें डांट दिया, सॉरी। अच्छा ये तो बता दें आप जा कहाँ रहे हैं? बस मार्केट तक जा रहा हूँ। तो मेरे फोन में 100 का बैलेंस डलवा देंगे प्लीज? अब देखें, अगर 50 का डलवाएंगे तो सब कट जाएगा, मैंने पहले से ही एडवांस लिया हुआ है ना। अम्मी का फोन भी आया था, प्लीज ले आएंगे ना जी। थैंक यू। काट दिया? क्या मतलब काट दिया? कहाँ जा रही थी? हाँ तुम कहाँ जा रही थी? मोटी मन ही मन में मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब है कि जान तारा की बात में कुछ तो सच्चाई है। जी जी अम्मा, यहाँ पे सब खैरियत है, आप बताएं आप कैसी हैं? इसको भी यही जगह मिली है बात करने के लिए, दूरे जो डाल रही है कमबख्त है। सच? तो फिर कुछ मिलने की उम्मीद है या नहीं? जी जी बस अम्मा, यहाँ पर क्या मैं बताऊँ, लगता है इन दोनों में लड़ाई हुई है। अब्बा सबको बताती हूँ, चोरी कर रही थी ना। बताओ भी, चोरी कर रही थी? है? खामोश, बिल्कुल खामोश, चुप चुप। आलम आलम आलम, अरे क्या हुआ? अम्मा ये फोन, ये फोन, अरे इतना फोन में भूत नहीं चलाया? वो बालम, क्या हुआ? हेलो, आप कौन है? बालम, अरे हत्या कर दिया उसने, अरे बता मुझे जल्दी बता दे। वो मैं, कुछ लोगों ने बालम को किडनैप कर लिया, वो काट के फेंक देंगे। अम्मा, कैसे बेहोश हो गई?
पानी लेके आ करीना, पानी लेके आ जल्दी से, होश करो। अम्मा चांदारा, चांदारा होश तो करो चांदारा। अम्मा 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 तो भाई अब क्या होगा, वो लोग तो आवाज से बहुत खतरनाक लग रहे थे। ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। गोली तुम ये फिल्म स्टार साउथ की तरह फाइटिंग क्यों नहीं करते? ताकि मैं बन जाऊं साउथ और तू बन जाए अंजुमन है मोटी। हाँ अंजुमन ही कहना। अब्बा 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 बालम पे और उसके अखबा कार पे थू। अब्बा मैं तो बस बता रही थी, ये बालम अखबा हुआ ये तो समझ में आता है, वो तो खैर अलग बात है। अब ये बताओ तुम्हें कौन सी इमरजेंसी लाहक हो गई थी जो नीचे छुप गए है, और कौन आ गई, क्या इमरजेंसी थी? अब बताओ ना, आप क्यों मुंह से नहीं निकल रहा, तुम्हारे अलग मजबात मच गए। लील मैं तो कह रहा था कि मैं कह रहा था क्या कयामत आ गई, देख देख के जाया करो, हालात सही नहीं है ना मुल्क के यहाँ यार। और बेचारा यार घर का बच्चा बालम और अपने सामने का बच्चा, यार मैं तो ये सोच रहा हूँ मासूम के घर वाले, उसकी माँ उसकी बहन उसकी बीवी, इन लोगों का होगा क्या यार, उसका भाई है छोटा सा यार। अरे अब्बा रो तो नहीं, बस चलो भाई अभी देखना पड़ेगा, जाओ जाओ बालम मेरा बच्चा, मैं देखो यार बालम। क्या मतलब क्या बकवास है यार, मुझे तो समझ ही नहीं आती इस शख्स की, कभी कुछ कहता है कभी कुछ। इतने ताले पेते आएंगे ताते तो देते इतने पेते। मुझे नहीं पता, मेरा शौहर मुझे वापस चाहिए, मैं मर जाऊंगी। तो बंदा यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। कोई नहीं कोई नहीं, सबर कर मेरे दोस्त मेरे भाई, कोई नहीं मुश्किल करिए कभी आना है, सबर कर बस अपने बुलंद रख सोच ले। बड़ा आया मुझे तसल्ली देने वाला। और खाओ इन कमजोरों पे तरस, देख ली इन सबकी औकात, बड़ा दुख खाया जा रहा था ना तुम्हें लोगों का, इनको इनके हाल पे खुश रहने दो। बात सुन नन्नी, हर मामले में बीच में मत कूदा कर, ऐसे बहुत परेशान हूँ मैं। हाँ तो इसलिए कि तुम लोगों की करतूत ही ऐसे है, बिल्कुल ठीक है ऐसे ही परेशान रहोगे तुम लोग। बालम कौन सा सही है, एक नंबर का चीटर है चीटर। देख देख नन्नी देख, ऐसे किसी को नहीं कोसते यार, वैसे ये लोग अपनी वजह से अपनी आदमी जले जा रहे हैं भाई, तुम क्यों मेरा वजह बदवाई दे रही हो? सुन गोली, एक लफ्ज बोला ना आगे तो सारी खुंदस तुझ पे निकाल दूंगा, बता रहा हूँ। किसे भाई इतनी मजाल है जो मेरे मियां पे हाथ उठाए? हाँ अबे मेरी मजाल है, ये देखो बड़ा है 30 मार खान औरत के पीछे छुप रहा है। औरत मशरे की औरत, इसकी बीवी है जो इसकी हिफाजत करती है, औरों की बीवियों की तरह नहीं जो छोड़ के भाग जाएं। बस बहुत हो गया है, अब अगर किसी ने मुझे कंदील का ताना दिया ना तो मैं, हाँ क्या, तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो करो ना अभी, क्या अभी करो, आज मर जाओ। क्या 600 रुपया था तुम्हारा? बिल्कुल सही किया, बेगैरत कहीं का। अब आप ऐसी मोहब्बत भरी नजरों से मुझे मत देखें। अरे मैं तो ये सोच ही था तू मेरी जिंदगी में आ गई, अगर तू नहीं आती मेरी जिंदगी में तो मैं क्या होता, कुछ भी नहीं। चुप, और कुछ नहीं। अबे कहाँ जा रही हो, अरे कटो, अबे बात तो सुन ली जाओ। अरे बेटों के नाम तो सही रख लेती, कितना अजीब लग रहा है, मेरा बालम। अरे मेरे बालम तो बाहर डाले थे, अरे ले आओ तो सही थे ले आओ। अम्मा सुबह होने से पहले 3 लाख का बंदोबस्त करना है, ये तो समझ नहीं आ रहा सब कैसे होगा क्या होगा। अरे मैं तो कहती हूँ पैसे दो और जान छुड़ाओ। इतने ताले पैसे आएंगे ताते तो देते इतने पैसे। मुझे नहीं पता, मेरा शौहर मुझे वापस चाहिए, मैं मर जाऊंगी। तो बंदा हमारे लिए और मुसीबत तनी तन रही है। अरे कैसी बातें कर रही हो, बेचारी इतने परेशान है और तुम जल्दी कटी सुनाई जा रही हो। ये बेचारी नहीं है, बड़ी मीठी नहीं है, मीठी नहीं तुमने नाती तो।
ये नहीं अपने घर पे फोन कर दे, वहां पे बहते बहते मना ले, फजूल तेरा तत्वे बाहरी धूती बूती रो रही है, ड्रामा तो नहीं ड्रामा। मेरे घर वाले कहाँ से लाएंगे पैसे, और अगर मैंने अपने घर में बता दिया ना तो मेरी अम्मी जीते जी मर जाएंगी। अच्छा तेरी अम्मा तो हो जाए ना दामाद ना दूध दे, और मेरे बेटे तो पत्थर दे लेने, मैं तो बैठी हुई मुझे तो दूध भी नहीं हो। अरे वैसे एक बात है, तुम जैसी औरत है जो इतना बर्दाश्त कर लिया, कोई नेक बाज होती ना तो बिल्कुल भी बर्दाश्त ना कर पाती। ये ना मैं तो मतनिया नहीं था, मुझे पता है तुमने तो लेने के लिए बैठी हुई हो, ये नहीं तो हमारा भला तल दो, हमारी मदद तल दो। अरे हम कहाँ से कर दें, हम तो खुद लूटे पिटे आए हैं, है? हम कहाँ से टो लेने के लिए आ गए, और नहीं है हमारे पास कोई पैसे वैसे, हम तो बस तसल्लियाँ दे सकते हैं, तसल्लियाँ बस, तो तसल्लियाँ देते रहना, बेटे बेटे नहीं देना। आलम आलम ए आलम आलम ये कैसे रो रही है, इनके पास पैसे होंगे लेकिन हमारे लिए नहीं होंगे। अरे जानती हूँ इसे, बहुत ही नीच औरत है, तू बैठ जा बेटा, हाँ अल्लाह बेहतर करेगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा इंतजाम, तू फिक्र क्यों कर रही है बेटा। मुझे तो ये सब चक्कर लग रहा है, चक्कर दे रहा है बालक भाना। हाँ वो तेरा भाई नहीं है ना, इसलिए तो जो बातें सूझ रही हैं। अरे यार बालम मेरा भी भाई है, लेकिन उसका रिकॉर्ड इतना खराब है कि यकीन नहीं हो रहा। अगर वो लोग अखबार बराए तवान वाले होते ना तो मैं भी बिल्कुल यही सोचता जैसे तू सोच रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस हरामखोर ने उधार पैसे लिए उनसे जो चुका नहीं सका, और लिए होंगे, बिल्कुल लिए होंगे उधार, उसने पक्का तो उधारिया बन गया है वो, और मिल गए बड़े लोग उसे, ले गए उठा के उसे। तो फिर क्या सोचा है? सोचना क्या है यार, आलम आलम वो तेरे भाई तो मारेंगे पीटेंगे तो नहीं? पप्पो ऐसे लोग बहुत मारते हैं, छोड़ते नहीं है, पहले तो गुस्सा निकालते हैं पीट पीट कर। तेरे मुंह में था मेरे बच्चे तो ना एक भी सराहत नहीं आनी चाहिए, आलम मेरे बच्चे तो चुरा दे लिया, वरना मैं ना मरता हूँ। कहाँ से लेके आऊँ, कहाँ से लेके आऊँ? अरे पैसे मांग रहे वो पैसे, पूरे 3 लाख रुपए कैसे लाऊं? अरे भाई के लिए तो बंदो मत तल ले, जब भाई दी थाती ये नहीं तटता तू, उसी दिन नदी तक हवाले में था। मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए हैं, सोचा था दुकान में नया माल डालूंगा, नए तरीके से जमाऊंगा। अरे दुकान में दमती रह दी, 1.5 लाख तक तो बंदोबस्त मैं भी तल लूंगी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी, हाँ 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 पता है, आप मेरे भाई को मार देंगे ऐसा मैं औकत ही नहीं होने दूंगा, और वो 3 लाख पूरे हैं, मैं थूक लगा के गिने। अच्छा वाह, इतने तक ऐसे ही होना चाहिए था, अल्लाह ने सजा दी। किसका फोन था, उठाया क्यों नहीं? मैं नो नंबर नहीं उठाती हूँ। कितनी बदतमीज बदखलाक लड़की है, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है इसे, इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं है इसे। मामा इसके अलावा कोई हल भी नहीं है, देखिए मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही